अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने सबक किताब लाला से सबक किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पढ़ाई करनी है, सफ़ा नंबर 8 और 9। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी हदायत के लिए 124,000 नबी दुनिया में भेजे और उन्हीं में से एक नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी हैं। आज मैं थोड़ी सी इसके एक पैराग्राफ की रीडिंग पढ़ाई करूंगी और आगे से सारे सबक की रीडिंग आप लोगों ने खुद करनी है। मुश्किल अल्फाज में आपके नीचे दिए गए हैं कि मैं इनको पढ़ के आपको बताऊंगी। मैं अब शुरू करती हूँ, आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें। दरिया फरात के किनारे एक बस्ती थी जिसका नाम नैनवा था। यहाँ के लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए एक नबी भेजे गए जिनका नाम यूनुस अलैहिस्सलाम था। बहुत अरसे तक वो तबलीग करते रहे और अल्लाह के पैगाम अहकाम लोगों तक पहुँचाते रहे। लोग उनकी बातें सुनकर मानना तो दूर की बात थी, उनका मजाक उड़ाते और इसी परेशानी के आलम में वो बस्ती से बाहर दरिया के किनारे चले गए और उन्होंने अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार ना किया। इससे आगे आप लोगों ने इसकी पढ़ाई करनी है और इनके मुश्किल अल्फाज सबक के नैनवा, ये एक बस्ती का नाम है, उसके बाद तबलीग, अहकाम, कुर्रा, नौरानी, शर्मिंदगी, घुटन, फरियाद, तंदुरुस्त, ढूंढना, तामीर और कामयाबियाँ। आपने इसकी रीडिंग भी पढ़ाई भी करनी है और उसके बाद आपने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 आपने नोटबुक पे ही करना है। और मैंने इसको इसका जो है इसको हलशुदा एक्सरसाइज जो है वो मैंने पोर्टल पे अपलोड कर दी है। शुक्रिया।